अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तारीख़ सां गुफ्तगू में असां तव्हां सां ॻाल्हियूं कंदा आहियूं पाकिस्तान जे तारीख़ी पहलुनि ते। नाज़रीन, दुनिया जा मुहक़िक़ ऐं दुनिया जा ॾाहा इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहिनि त जेको माण्हू तारीख़ जो मुतालियो करे थो उहो दुनिया जे मामलनि मसइलनि खे मुंहुं ॾियण लाइ हिकिड़ी पंहिंजी कुवत पैदा करे थो पाण में ऐं दुनिया जे मामलनि में बर्दाश्त ऐं अकुलमंद थिए थो। सो नाज़रीन, असांजे हिन प्रोग्राम जो मक़सदु इहो आहे त असां तमामु ऐं जेका उहा टही या उहो नौजवान जेकी नौजवान तारीख़ सां एतिरा वाक़ुफ़ु न आहिनि, असां तव्हांखे तारीख़ जे उन्हनि पहलुअनि खां वाक़ुफ़ु कयूं। असां हिन प्रोग्राम में पाकिस्तान जी तारीख़ साज़ शख़्सियतुनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं ऐं ख़ासि तौर ते उहे जेके साबिक़ सियासी जिदोजहद या साबिक़ सियासी तारीख़ जो हिसो रहिया आहिनि ऐं हाणे बि सियासी किरदारु अदा करे रहिया आहिनि, असां उन्हनि सां ॻाल्हि कंदा आहियूं। अॼु असां वटि हिकु तारीख़ साज़ शख़्सियत जेके सिंध जा वज़ीर आला बि रहिया आहिनि ऐं पाकिस्तान जा वज़ीर आज़म बि रहिया आहिनि ऐं पाकिस्तान जा मुदब्बिर सियासतदान जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब। साईं, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। साईं, पहिरियों सुवाल इहो कंदासीं तारीख़ जे मामले में त 1940 खां पहिरीं पाकिस्तान मूवमेंट में सिंधी क़यादत, सियासी क़यादत सिंध जी उन वक़्तु इहो सोचियो हो त जो पाकिस्तान जी मूवमेंट में हिसो वठूं था त उन जा नताइज छा निकिरंदा, छा उन्हनि वियलाइज़ कयो त अॼोकी सिंध उन्हनि कॾहिं वियलाइज़ कई जंहिंमें सिंधी कंहिं जे कंहिं कहिड़ी नश ते जाके वञी पहुता आहिनि। महिरबानी, तव्हां पंहिंजे चैनल में असांखे दावत ॾेई घुरायो आहे। 1940 में पहिरियां त पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन देरि सां आयो। जिना साहिब मुस्लिम लीग आर्मी शुरू कई, मुस्लिम असली हुई, पर जिना साहिब जिन हुनखे जॉइन कयो बाद में, त उन वक़्तु इहो हो हिकिड़ो तासुर कोन हो पर हक़ीक़त हुई त मुस्लमान तमामु पसमाईंदा रहिया। जी हक़ीक़त आहे, असां वटि उन ज़माने में नौकरियुनि में ॾिसो मुश्किल को वॾे उहिदे ते हूंदो हो सिंधी मुस्लमान, बिज़नेस टोटली कोन हो, नंढड़ी हटनि खां वठी वेंदे वॾनि बाज़ारनि ताईं 80% हिंदनोट बिज़नेस हो। ज़मीनूं जॾहिं अंग्रेज़ आया त मुश्किल सां के हिंदू वॾा ज़मीनदार हुआ, थोरा हुआ पर तमामु थोरा। पोइ आहिस्ते आहिस्ते बदक़िस्मती सां असांजा वॾा ज़मीनदार या नंढा खातेदार पंहिंजूं ज़मीनूं गिरवी रखंदा हुआ। हलतियात जो गिरवी जॾहिं न पैसा ॾेई सघे छॾाए सघिया त गिरवी ज़मीनूं जा मालिक हिंदू थींदा हुआ। ऐं तव्हां ॾिसो त एतिरियूं ज़मीनूं हिंदू छॾे विया जो पोइ हुन में क्लेम्स में मिलियूं जेके ॿाहिरि आया तिन खे मिलियूं, इमिग्रेंट्स जेके आया, ॿाहिरां जेके आया। छाकाणि हुन वक़्त में एतिरी हुई नाउमेदी, बेअसी ऐं डिप्रीविएशन, त उन वक़्तु इहो नारो हो त बाबा जेकर तव्हांखे पंहिंजे औलाद लाइ, बचनि लाइ, ईंदड़ नसलुनि लाइ का बहितरी सोचणी आहे त असांखे आज़ाद मुस्लमान मुल्क खपे। उहो जुनून हो ऐं हक़ीक़त आहे त असां या असांजे बुज़ुर्गनि इहो कोन सोची त जेका अॼु सिंध आहे उहा मुंहिंजे ख़्याल में कंहिंजे सोच में कान हो। उन ज़माने जी तारीख़ ॿुधाए थी त साईं अलामा आ ए काज़ी ऐं ॿियो मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई ऐं ॿियनि उन वक़्त जे लीडरशिप इहे ॻाल्हियूं हाईलाइट कयूं, पॉइंट आउट कयूं त जेको सिंधी हिंदू वटि इकनॉमिक होल्ड आहे इहो जेको अॻियां हली मथां सिंधी मुस्लमान खे ट्रांसफर न थिए त उन्हनि पंहिंजा रिज़र्वेशन ॼाणाया। जनाब दीरबन साहिब जो अलीक साहिब जो ॻाल्हि था कयो, अलमाए काज़ी ऐं मौलाना दीन मोहम्मद वफ़ाई, नथो कुझु चई सघां वधीक ज़्यादा। बाक़ी अलवईद त उन वक़्त में वॾो हिकिड़ो सिंध जे मुस्लमाननि जो नुमाइंदे अख़बार हुई, पर उहा हिकिड़ी हुई, उन त सपोर्ट बि कयो पाकिस्तान खे। पर इन में जनाब अलामा आहे कैसल मां नथो चई सघां
त हुनजी कहिड़ी राय हुई छाकाणि त असां जॾहिं पाकिस्तान थियो त मां अञा स्कूल में हुउसि तंहिंखे यादूं आहिनि ऐं त एतिरो कुझु मां चई सघां पर 1947 जी तव्हां तक़रीबन 16-17 सालनि जी उमिरि जा हुयो त माना इहा तंहिं ज़माने में फीलिंग हुई त हिंदू सिंधी जेको हुयो सो यूज़र पर हो ऐं सिंधी मुस्लमान इन शइ सिंध खे पाकिस्तान लाइ मां त कयो न फ़क़ति इहा शइ ही जो चवनि था त पाकिस्तान जो मतिलबु लाइ लाइ मां हुन सां एग्री कोन थो कयां मां छाकाणि वालिद साहिब खे भाउ कोन हो अकेलो ॾाढी ॾुखी इलेक्शन हुई 45 वारी जेका डिसंबर में थी उहा इलेक्शन सॼे हिंदुस्तान में थी लड़ाई खां पोइ ऐं उहा इलेक्शन हिकिड़े क़िस्म जो रेफरेंडम हो हिंदुस्तान में कांग्रेस ऐं मुस्लिम जे दरमियान या मुस्लमान ऐं हिंदुनि जे दरमियान त पाकिस्तान थिए या न थिए त मां पाण पंहिंजे वारे साहब इलेक्शन में वर्क कई ग्रामीण स्कूल मां मोकिल वठंदा ॾुखी पर लकीली इलेक्शनूं डिसंबर में हुयूं असांजो टे महीना हफ़्ता में वेकेशन लकीली हुई त भई मुर्मू खे जीअं कयूं भाउ कोन हो फ़क़ति हिकिड़ो सोटरो सोट वॾा पर हिकिड़ो जेको ज़माने में शमदीन खान जतरी साहब भाभी जो सॻो सोटरो पर असां ॿिनि ॼणनि पे इलेक्शन जी कैंपेन कई वारे साहब पाण बि कई त जिते वियासीं पिए उते इहो बि माण्हू सम्झाइण जी कोशिशि कई थी त ख़ुदा सुल्तान छा हालत आहे इहे अवां जा बिना ॿिनि ज़मीनूं हींअर उते हिंदू कब्ज़ा आहिनि या उहे मालिक आहिनि हींअर ॾिसो तव्हांजो डिप्टी कमिश्नर केतिरा आहिनि यानी पाकिस्तान थियण खां अॻु में हिकिड़ो हिंदू चीफ सेक्रेटरी बि थियो सिंध जो त मुस्लमान ऑफिसर को ॻोल्हियो तव्हां लभंदो को डिप्टी कमिशनर ॻोल्हियो एस पी दुवारे इन लिहाज़ खां त मतिलबु उहो चीज़ जो अहसासु जॾहिं ॾियारियो हुयो त माण्हुनि महसूसु कयो त वाकई असांजो जेको फ्यूचर हिंदू सां नथो रही सघे लेकिन पोइ जेके हालात थिया तंहिंजो हक़ीक़त आहे तसवुरु जेतिरो असांजो तलक़त कोन हो न हाणे छा आहे त हिन में ॿ नुक़्ता था अचनि कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त भई इहो सिंधी मुस्लमान उहो सियासतदान जंहिं जूं ज़मीनूं गिरवियूं हुयूं हाई क्लास इलीट क्लास उहो छो त मकरूज़ हो या हुनजी ज़मीन हुई त उन्हनि चाहियो त पाकिस्तान चाहे त जीअं असांजे न ॾिसो अर्ज़ु ॿुधो हिकिड़ो इहो आहे ऐं ॿियो पहलू जेको साईं जन पाण ॿुधायो त हिंदू मुतसिब हुयो मुस्लमान सां मज़हब जे बुनियाद ते ऐं हुन इहो कोन सोचियो त हीअ धरती हीअ सिंध धरती जेका मक़्स जेको बुनियादु आहे ॿिन्ही जे क़ौमियत क़ौम सिंधी हुजण जो उनखे जेकॾहिं बुनियादु हुजे त शायदि अॼु इहा सूरत हाल न थिए आहे इहो इहे ॿ मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि जेको त पहिरें सां तव्हां एग्री कोन था कयो पोएं सां तव्हां एग्री कयो था त हिंदू सिंधीअ इहो ॻाल्हि रियलाइज़ न कई तसिबो त में को शक कोन्हे को इन मूंखे इहो बि यादि आहे त सदुजन जो पंहिंजो हूंदो हो हिंदू ज़मीनदार ॾाढे माण्हू खे या पोइ वाहेगुरू खे ॿिन्हणो ईंदो वरी मुरम त 8 वफ़ात कई त मूंखे पूरी यादि आहे त ईंदो त असांजे गिलास में पाणी कोन पीअंदो अच्छा मंगाराम नालो अहिड़े क़िस्म जो पर बरस जेको वॾो ज़मीनदार हो सदुजन जो अहिड़े क़िस्म जी असां सां हलंदा त आम माण्हू मुस्लमान सिंधी मुस्लमान तव्हां चयो न ज़मीनूं वॾियूं ज़मीन हाणे 5 ज़िले जी तव्हां ॻाल्हि कई नवरा ज़िलो जेको ज़िलो मथां खां हाणे वठो जनाब सैद मोहम्मद अली शाह वारनि जूं कराड़े शाह ज़मीनूं का बि गिरवी कान हुई ठीकु आहे सैद नूर मोहम्मद शाह जूं ज़मीनूं खे गिरवी कान हुयूं असांजूं ज़मीनूं खे गिरवी कोन हुयूं खेड़े जूं ज़मीनूं गिरवी कोन हुयूं उनर साहिब जूं ज़मीनूं गिरवी कोन हुयूं खैर शाह वारियूं ज़मीनूं गिरवी कोन हुयूं पोइ अचो इजाम साहिबनि वारनि जूं ज़मीन माना तव्हांजे ख़्याल में मिडिल क्लास जूं ज़मीन मिडिल क्लास ऐं लोअर मिडिल क्लास जिन ग़रीबनि वटि 40 acres 30-50 इहे घणो अफेट थी विया ऐं थी सघे थो न उन ज़माने में बराज बि कोन आहे बराज जे जेके फ़ाइदा थिया पके जा सभु 2 रीतियुनि खां पोइ थिया 2 खां पोइ थिया एकटीह में त बराज खुलियो जॾहिं शाखूं हुयूं सभु कुझु थियो त तेसि ताईं नंढा खातेदार वीचारा खूहनि ते वग़ैरह आबादी न करे सघंदा मुश्किलातूं हुयूं थी सघे त उहो हिकिड़ो सबबु हुजे जो जो कुझु फाइनेंशियल मुश्किलातुनि जे करे इहो क्लास जेको घणो इफेक्ट थियो साईं अचूं था वरी हिन 1975 में इलेक्शन्स थियूं चवनि था सिंध में वरी जेको तारीख़ थी ॿुधाए त वरी 46 में इलेक्शन्स थियूं उहो छा सबबु हो 75 में वरी सबबु तमामु हिकिड़ी हिस्टोरिकल स्टोरी आहे
पीरजादे मुजीब साहब जे न्यानी शादी तो ते पीरजादे अब्दुल सत्तार ना ना मुजीब साहब की गल तो अच्छा मैं चिर पहले साल की गल तो अच्छा अच्छा उते एक सुरी का गल निकली मां जो सिंध में भी बे इलेक्शन थियो सर हिंदुस्तान में एक रे सुबह दे के मिलते तो जो चीफ जस्टिस साहब बैठो सिंध जो मुजीब साहब दो इलेक्शन हुए थे मतलब गल इने पर से कि खबर का खबर ना है दिस इज व्हाट सिंध जो को उन्हें खबर का सिंध में वाकई एक बे इलेक्शन थियो बलक्षण जो सब यो थो हकीकत अब्दुल्ला हारून साहब मरण का जी एम सैद तमाम मुस्लिम लीग के सिंध में वाधा प्रेसिडेंट रो जी एम सैद ही सिंध में पख्तर रेजोल्यूशन पास करा सूबन में पाकिस्तान हिस्सा थे उन वक्त बेंगाल अनडिवाइडेड बेंगाल सिंध बिन सूबन रेजोल्यूशन पास किया तो पाकिस्तान खपे असके अलग मुल्क खपे आजाद मुल्क मुसलमान खपे फ्रंटियर में तो कांग्रेस मिनिस्ट्री डॉक्टर खान साहब अब्दुलफार खान साहब जो नंढो भा वो चीफ मिनिस्टर हो इलेक्शन वरी खटी आया हुए पर भारत उत हुई पंजाब में यूनियनिस्ट गवर्नमेंट हुई यूनियनिस्ट मतलब यूनियन खपे असा हिंदुस्तान का अलग न थियूं तो उत गवर्नमेंट यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी पंजाब अनडिवाइडेड पंजाब तो बस सूबा हा जिन यो झंडो खयो में जीएम सैद साहब की वही सिंध मशरकी पाकिस्तान जो बंगाल तो उन्हें जीएम सैद साहब भरोसा अचे तो उन्हें रेजोल्यूशन पास करो हाँ इलेक्शन आयूं तो पार्लियामेंट बोर्ड मुकर थो जिते कि जो हों सरबराह प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग जी एम सैद साहब हो वो थो हेड चेयरमैन थो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सिंध में सख्त उन वक्त में कशमकश हुई ग्रुपबंदी जी एम सैद साहब एक पास बे पास वो सर गुलाम हुसैन खान बहादुर कूड़ अमीर गुलाम अली खान तो जिना साहब सत्तर मेंबर जो बोर्ड रखो टे एक ग्रुप जहा टे मेंबर बे ग्रुप जहा सतो उनके पीर लाइ बख्श साहब के यो इंडिपेंडेंट मानू आ उन लिहाज के समझो वो तो पीर साहब कमजोर आयो कें को अची वो पे हिसाब किताब से जो सो उन्होंने पार्टिसिपेट कर वोट इंदो मेरिट से इन ग्रुप बंदी में को जैसे बोर्ड जो इलेक्शन ये मीटिंग थी वह तो सत्तर मेंबर के टिकट से जनाब जी एम सैद साहब एतराज कर इख्तलाफ कई हाँ सिटिंग चेयरमैन अच्छा इख्तलाफी नोट लिखो तो मुझे मेजॉरिटी फैसलो इन सत सीटों से कबूल को सत सीटों बुदाई तो यो इन में डेडलॉक थो सिंध सूबो जैसे जना साहब वो भरोसो भी किया पाकिस्तान जो बुनियाद पियो ऑफिशियल तरीके से उतना फैक्ट फाइंडिंग टीम जिना साहब ढो वरिड हो तमाम परेशान थो रिपोर्ट कई जिना साहब के टेलीफोन से सही पैरी गाल अस जमहूरियत की गाल पा क्यों जमहूरी बुनियाद से लड़ू पा था तो अस जमहूरी तरीके से पाकिस्तान वी तो अस नफी क्यों मेजॉरिटी की मेजॉरिटी फैसलो तुम मोकर कल पार्लियामेंट्री बोर्ड सत सीटों बहाल थे खपन जना जना साहब चे तो नो आई कैन नॉट अफोर्ड लूज जी एम सैद अच्छा आई कोट आई कैन नॉट अफोर्ड लूज जी एम सैद गिव हिम फोर सीट्स आउट ऑफ सेवन सतनी मेजॉरिटी जो तो जी एम सैद साहब खुश रहे उनकी कंट्रीब्यूशन नाराज न ना रहे से वरी जग जगह हण हण जी एम सैद साहब के सत सीटों ऑफर कयूं जीएम सैद साहब मुझे सॉरी चार ऑफर क्यों सत्तर पंजा जीएम सैद साहब चे तो मुझे चार ही नए टे खन उन टिन में हल बाद गुलाम वसाणो वाली सीट उनके खिलाफ गुलाम हैदर शाह बी सीट असि माना गुलाम हैदर शाह की सपोर्ट पे कई जीएम सैद साहब बी सीट असि तहां जी सीट ते कई सपोर्ट शाह साहब हसन बख्शा हो हसन बख्शा साहब ए टी सीट ही शायद मोहम्मद इरशाद साहब शायद क्वेश्चन मार्क टिन सीटों के अख्तराफ हलो
जेम्स सर साहब जो ये मुख्य टे जेम सर छा वरी ढो मरूम सिंध में शायद शायद बॉम्बे असेंबली जो टे दफा लागीतो मेंबर थो हो होंगी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल 1935 एक्ट ऑफ थो जो अटनवे दिनों सूबन के अंडर द एक्ट ऑफ 1935 एक्ट ऑफ इंडिया उनमें सूबा थे सिंधपुर में ठही घना सूबा थे सूबाई गवर्नमेंट ठयू तेस तीन पंटी तुंदी हूँ प्रेजिडेंसीस बंगाल प्रेजिडेंसी यूपी प्रेजिडेंसी पंजाब प्रेजिडेंसी बॉम्बे प्रेजिडेंसी उम्र हूँ में इलेक्ट थो नॉर्थ जिले में एक सीट हुई नवाब शाह जिलो हों सिंजूर शहदादपुर समेत नॉर्थ जिले जो दंग हों साई बुरन शहर गोठ का चार पंज मील मथे अच्छा अच्छा माना ये मौजूदा जो सागड़ जिलो आ सो नवाब शाह जिले जो सो जो बतालका ये जो मजा में थिया मैं खुद लोकल वोट प्रेसिडेंट जन छुस जो मजा में तो उन जमाने में ये जिले बतालका अलग थिया सागड़ में ब विधाऊं शहदार पर सिंजोरो नवाब शाह जा ऐं खिपरो ऐं सागड़ विधाऊं सागड़ अन जा थरपाकर जिले जन ये जिलो उठे तेस ताई यो को जिलो हों दो जो बारह साल जो उत्तर है मेंबर जिना साहब सा उठन में मेर मुलाकात बॉम्बे में वो वक्फियत रही जिना साहब के मुसलमान लीडर जो मीटू उन जमाने में क्यों तो गाड़े मरूम अटेंड क्यों तो मान तो वक्फियत भी हुई डारू मरूम मन रही सिमा बशखान हां माल सिमा बशखान तो वो वक्फियत आई सही तमाम तुरंत आई एम ऑटोट्रियन में जिना साहब असर मेहमान थे आयो नवाब शाह में दादे जी दावत थे कोइटिया बलोच ऑर्गेनाइज पे क्या मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन चार में थे ऑर्गेनाइज पे क्या कोइटिया में हो उत आयो लंच का दें जनाब मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब वो आयो नवाब शाह ट्रेन जरिए ये रास्ता तक चाहा था सब ये रास्ता वो मीर जफरुल्लाह जमाली माना मौजूद मीर जफरुल्लाह जमाली दादो न एनन जो मां भैन तो मामू 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 लेकिन करीब रिश्तेदार उते लंच रात जी माने असां नवाब शाह में कदम ॾाढी माण्हू हुई वरी बि लंबी स्टोरी आहे कीअं थियो रिसेप्शन त इहो तहलक एतिरे क़दुरु जो सिंध में फ़क़ति इन ॿिनि टिनि जायुनि ते वियो वरी पुराणी तहलकात जे करे वरी जिना साहिबु कॉल ॾिनी हुई इलेक्शन खां अॻु में इलेक्शन डिसंबर में थियूं सेप्टेंबर 45 में कॉल ॾिनई डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग जो हुन में इहो थियो त तव्हां जिन वटि टाइटल्स आहिनि टाइटल्स पिया कयो अंग्रेजन जा टाइटल्स हाँ तो उन्हें टाइटल्स में बाय मरूम टाइटल छो कलमर गुलाम मन वसान पो टाइटल छो तो ये बत ये थे असानी सीट की कंट्री मतलब अहमियत यह थी तो ढे सा तहलक खान बहादुर वसान पो टाइटल छो वहाँ वो क्वालिफिकेशन जमाने में अंग्रेज जमाने में टाइटल छन तो ये जी हूँ तो जना सब कबूल न कर पोइ चई जी एम सैद पहिरियां चई आई कैनॉट अफोर्ड लूज़ जी एम सैद पोइ चई जी एम सैद आर नो जी एम सैद आई कैनॉट सरेंडर दीज थ्री सीट्स वॾी लड़ाई थी जी एम सैद साहब छॾियो मुस्लिम छॾियो पोइ यकीन कांग्रेस ऐं जी एम सैद साहब गॾिजी मुक़ाबिलो कयो मुस्लिम लीग जो जी एम सैद साहब कांग्रेस जॉइन कान कई त मुश्किल थी आहे त कांग्रेस जे प्लेटफॉर्म तां लेकिन वॾो हिकिड़ो वॾी कोत पैदा थी कांग्रेस जी जी एम सेठ साहब की सपोर्ट तो एतरी इलेक्शन वेझे थी जो एकड़े वोट से सिंध गवर्नमेंट थी 1946 जनवरी में डिसंबर में इलेक्शन हूँ 46 में उन जमाने में टे मेंबर हूँ अंग्रेजन जहाँ जो नामीद कहता अंग्रेज असेंबली में सिंध में टे हूँ बे सूबन में आ किथे पंज किथे जी साइज मुताबिक हाणे उन ज़माने में मज़ार जो साईं केरु ईअं रुपयो बि ख़र्चो हाणे त साईं अरबा रुपया खपनि था बजट खां सवाइ अरबा रुपया उन ज़माने में जेकर पंज रुपया ख़र्चु छा त वरी सप्लीमेंट्री बजट थींदी सेप्टेंबर महीने में पास करायो त जाइज़ ख़र्चो न थियो ऐं वरी जेकर असांजे बजट में रहिजी वियो आहे अप्रैल महीने में त जेकर अञा बाक़ी छहनि महीने में जेको ख़र्चो अञा थियणो आहे उहो वरी पास करायो उनखे सप्लीमेंट्री बजट चवंदा सेप्टेंबर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुई बाज़ार जो 500 रुपया ख़र्च करे
सोजीन सेप्टेम्बर महीने में अस ब मेंबर फिर गया शाह साहब नूर रोमन शाह यूसुफ चांजो साहब बजो फिर तो एक माइनॉरिटी थी पी बजा पे वन सब मिनिस्टर के करे क्राइसिस पाकिस्तान ठो को इतने वही कुर्बानी कई शाह साहब मीरा मोहम्मद अच्छा वो खैर मुस्लिम लीग तरफा इलेक्ट थो स्पीकर पर अजक उदो केर तो चले न कर सर जना साहब उनके चव तू इस्तीफा दे स्पीकर वे फ्लोर से जेठी सिपाही मलानी ही या डिप्टी स्पीकर शाह साहब अची वेठो बेंच ते प्रिजाइड केर करे स्पीकर न पे वे कुर्सी पंजी ते डिप्टी स्पीकर के चवन ॾिठी से पई भले तू प्रेजेंट कर उहा बि हिन लाइ तयारु न कर हुनजो वोट पियो खुटे कांग्रेस जो टे ॾींहं सेशन हलियो विदाउट प्रेजाइड केरु न पियो प्रेजेंट करे सीटूं बराबरि बराबरि हिकु टीह टीह सठ मेंबर आहे टीह होॾे टीह होॾे अंग्रेज़नि टिनि नॉमिनेटेड मेंबरनि खे गवर्नर चयो अंग्रेज़ जो गवर्नर त तव्हां यू कीप आउट ऑफ दिस हाणे तव्हां में हिन झगड़े में पोइ वञो को पाण में टीह टीह थिया कयो त इहो टे ॾींहं ते गवर्नर असां इंतज़ारु कई वरी नई जेका इलेक्शन थियूं ॿियो दफ़ो वरी नवंबर डिसंबर में थियूं इलेक्शन पंजे तालीम में थियूं ॿियूं वरी सभु ॿियो छाएतालीह में थियूं न डिसंबर पंजेतालीह वरी छाएतालीह जो नवंबर डिसंबर ॿारहें महीने में थियूं उन में सतरि मेंबरनि जी मेजॉरिटी थी अठ मेंबरनि जी मुस्लिम लीग खे जीएम सेठ साहब उन में हारायो उन हारायो जेका ॻाल्हि कबी ऐं एतिरो एजेंसी कान हुई पर हिकिड़े क़िस्म माहौल पैदा थी वियो ऐं उन वक़्त में गवर्नर हो पंजाब जो सिंध जो उनजी इंक्लिनेशन हुई अंग्रेज़ ऑफिसर इंक्लिनेशन थिए थी न असां वटि उहो क्लास अॼु बि आहे न अॼु हिकिड़ो दोस्त पियो चयईं पई त न रोकंदो वेठां चई हुन दोस्त शिकायत कई त साईं पर असां इलेक्शन में एॾा माण्हू छॾे विया जो ख़बर ई कान पई पए नाज़रीन हिकिड़ो वक़्फ़ो वठूं था ऐं वरी पाण मिलूं था वेलकम बैक नाज़रीन असां पंहिंजी गुफ़्तगू जी खे जारी रखूं था ऐं जतोई साहिबनि खां इहो वरी पुछंदासीं त इन सिलसिले में कुझु ॿियो तव्हां चवणु घुरंदो इन इलेक्शन जे मामले में जेका 46 में वरी थियूं 46 इलेक्शन खां पोइ सर गुलाम सेन थियो पहिरियों गवर्नर सिंध जो ऐं मोदीअ खे हिकिड़ो गवर्नर अंग्रेज़ जंहिंखे जिना साहब कंटिन्यू कयो थोरी घणी जेको सिंध में हुनजूं ख़िदमात हुयूं मोदी थियो पंजाब जो गवर्नर जेको इलेक्शन ज़माने में सिंध में आयो हिते ऐं ख़ान बहादुर खोड़ो थियो वरी पहिरियों चीफ मिनिस्टर हाणे ख़ान बहादुर खोड़े साईं इहो त असां पाण कई न हाणे जॾहिं इलेक्शनूं थियूं त जिन्ना साहब ऑल मुस्लिम लीग मेंबर्स कन्वेंशन घुराई इलेक्टेड मेंबर्स कन्वेंशन घुराई दिल्लीअ में उहा 46 में जी उहा 1946 में उहा थी उहा 46 में थी इंपीरियल होटल में थी हुआ बॉम्बे में न न दिल्लीअ में मां नंढो हुउसि 16 सालनि जो ग्रामर स्कूल में पढ़ंदो हुउसि रोअण धोअण फतकणु ॾाढो त मां भला भई हुन तुंहिंजो छा वञे पॉलिटिक्स सां तूं पढ़ हाणे दिल्ली जो शौक़ु कयो मुंहिंजी वर्द साहिब मां ॾाढी कोशिशि कई हुनखे बि टोटली इनकार थी न ॾाढी मोर मां ज़िंदा ई उहो जो मुंहिंजो रोअण धोअण टे ॾींहं हलियो हुयो पहिरीं चयो त किन वञे चई न मां ईंदा स्कूल में ख़ैर ॿार पंहिंजे वारद खे जवाबु कोन ॾेई सघियो मां बि हुते वियुसि ऐं साॻी होटल में रहियल हुआसीं सिंध टेलीविजन घणो करे घणा करे साॻी होटल में आहे उते जॾहिं सेशन इहो कॉल थियो जिना साहिबु कयो अलामा मशरकी कॉल ॾिनो त
खाकसर मुख्य इतने पंजा हजार के करीब खपन दिल्ली में जी अस प्रिवेंट क्यों जिनार साहब के ये जो पाकिस्तान कबूल तो करे अस इन प्रिवेंट क्यों चाली उन जमाने वही गाल पर तय हूँ भी पंजी हजार से वही गाल उन जमाने में बार कट्ठा थे उतने पंजटी हजार होटल जो घेराव थो कि खाकसर अंदर घिड़ी आया हाल में जिना साहब के वर्कर खड़ी वही कें बेडरूम हाल में पास बी हाल में अची वे पुलिस आई हाल खाली थो फिर प्रोसीजिंग हल उत सवाल थो यो तो पाकिस्तान तो थे पो इन वो तो इन हालत में पाकिस्तान वो या न वो कैपिटल किथे थे कैपिटल लाइ जेके उते प्रोपोजल्स आया नाला जेके पंहिंजो साम्हूं आया इन्हनि जे लीडरनि जे तंहिंमें कलकत्ता लाहौर रावलपिंडी ऐं कराची कलकत्ते में मेजॉरिटी मुस्लमाननि जी शहर में पर जेको सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट हुआ ॿ उन्हनि में मेजॉरिटी कान्हे मुस्लमाननि जी सोचूं त पार्टीशन में मिले या न मिले ऐं जेका रेडक्लिफ अवार्ड जेका मिली बाउंड्री कमीशन जेका वेठी जंहिं इहा अवार्ड ॾिनी चवण क्वेश्चन मार्क हुनखे चयो हुनखे छॾियो चवनि लाहौर त पक मिलंदो पर हाणे बाउंड्री किथे थी अचे उहा ख़बर कान थी पए किथे बाउंड्री ईंदी त वेझे थींदो हाणे त छवीह सतावीह हल आहे चवंदो वधियो हिकिड़ी पंजाह मिल इहो तमामु बार्डर खे क्लोज़ थींदो पोइ घणी राय रावलपिंडी जी छा रावलपिंडी हिंदुस्तान में अंग्रेज़नि जी सेकेंड लार्जेस्ट छावणी हुई ॿियो नंबर त उते चऊं बैरिक्स आहिनि अकोमोडेशन मिली वेंदो जेसि ताईं वरी कैपिटल ठहे असांजा सिंधी लेकर लीडर सभई साईं जिना साहब क़ाइद सर चलें कराची आपका सूबा आहे आप सिंधी आहीं आप कराची में पढ़े हैं आप कराची में पैदा हुए हैं सिंध में पैदा हुए हैं आपका सूबा है चले से ये वरी वठी आया इते इन में माना जीएम सैद कोन हो शामिल जी ना इन में तो जीएम सैद छड़े चुको है बिल्कुल खैर सिंह कराची उन जमाने में पहला हकीकत थी पहला के महीना तो यो बजट ला पैसा के ना पाकिस्तान के हिंदुस्तान न पियो ट्रांसफर करे जल्दी जल्दी फंड सिंध गवर्नमेंट दिना सिंध गवर्नमेंट बैरकूं ठहिरायो कुछ पैसा दिना पर इहो हैदराबाद दखन वारे काफ़ी पैसा मोकिलिया जन मञा इहो फेडरल गवर्नमेंट जूं तनख़्वाहूं वग़ैरह ॾिनऊं वञासीं पर सिंध गवर्नमेंट पंहिंजो गवर्नर हाउस ॾिनो सेक्रेटरी ॾिनी पंहिंजी वज़ीरनि जा बंगला ॾिना ऐं साईं मुंहिंजा जिते लियाकत अली ख़ान जो बंगलो थियो इरीगेशन मिनिस्टर हूंदो हो पहिरियों प्राइम मिनिस्टर इहो सिंध क्लब जे आॾो आहे इहो हाणे स्टेट गेस्ट हाउस स्टेट गेस्ट हाउस हा इते इरीगेशन मिनिस्टर रहंदो सिंध जो अच्छा इते प्राइम मिनिस्टर इते आयो मतिलबु हरेक पंहिंजा बंगला बंगला बि जेके ॾिनो ऐं इहे बैरकूं वग़ैरह सिंध गवर्नमेंट ठाराए ॾिनियूं साल खां मस्तु सभु गुज़रियो न साल जे अंदरि क़ाइदे मरूं बि सेप्टेंबर में गुज़ारे वियो अगस्त में पाकिस्तान ठहियो तेरहनि चोॾहनि महीननि में इन विच में फ़ैसिलो कयूं त परमनेंट कैपिटल था कयूं कराची इते खोड़े साहब जी कुर्बानी वरी अच्छा इनकार कई त न मां सिंध जी कराची हमेशह ॾिण लाइ तयारु न आहियां न साहब नाराज़ थियो गवर्नमेंट उतां ई बिस्मिला वरी शुरू थी न अच्छा उतां ई डिसमिसल जा तरीक़ा शुरू थिया खोड़ो साहब डिसमिस थियो एबडो लाइ प्रोटा ॿ हिन मुल्क में थियो हिकु ज़माने में एबडो ई ॿिए ज़माने में प्रोटा ई एबडो शायदि अयूब ख़ान जे ज़माने में हो प्रोटा ॿ कुर्बानी थी चीफ मिनिस्टर भई हली पीरलाल बख्श साहब थियो चीफ मिनिस्टर बरा इहो किसो ईअं हिते रहिजी वियो जो कराची कैपिटल रही पाकिस्तान जी जीअं मुंड जीअं आया तीअं रहिया त उहा रही हुते पोइ खोड़े साहिब ते वरी वॾी सिंध जी इहा मयार आहे हो सिंध जी मां चवां थो वरी कुर्बानी कयूं खोड़े साहिब ते मयार जो वन यूनिट खोड़े साहिब ठहिराइण में वॾी किरदारु अदा कयो जेसिताईं तव्हांजी नज़र में कराची कैपिटल न थिया त हीअ जेको इमीग्रंट्स या मुहाजरनि जेके आया हिंदुस्तान मां
यो एतरो इन्फ्लक्स या एतरा गड घणा कोन थिया ना जमो कराची में जकरी ई कैपिटल न थिया पर वेरा जी वणना फर्क थिया कराची में आनो ता बी गल थी पर यो वेरा जी वणना तो ना व्हाटएवर ओ ताने जको अची वया या मौजूद हालत पर सर गो इन करता दिसण चाहे ना वेरा जी वणना यकीन वेरा जी सब को ने अट्रैक्शन थिया कैपिटल जो ना कराची दो अट्रैक्शन हो चाहे कोई पोर्ट हो पाकिस्तान जो बिजनेस लिहाज का कराची के हमेशा प्राइड रही उन जमाने में सो घणो करे जे पोर्ट्रस जा मजदूर वगैरह उन ज़माने में पठान हूंदा घणो करे पर हकीकत आहे त पठान बि हूंदा चवंदा असां पाकिस्तान खां पहिरीं हिते सेटल आहियूं पर कुझु से पठान चवंदा कुझु त भले हिकु कॉन्सनट्रेशन कोन थी आहे न जिते कैपिटल हुजे ओॾे ज़रूरु वञे न अच्छा साईं हाणे तव्हांजे नज़र में ॾिसो त 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान ठहियो डिसइंटीग्रेशन थी या सब कॉन्टिनेंट ॿिनि हिसनि में विरिहाइजी वई हिकिड़ो हिंदुस्तान बि पाकिस्तान हिंदुस्तान जो लीडरशिप जेका आहे असां ॿिनि सालनि में 1949 में इलेक्शन्स बि करायूं ऐं आइन बि ॾिनो पंहिंजे मुल्क खे माना बुनियादु हिकिड़ो ॾिनो मुल्क खे पाकिस्तान पंहिंजी हुकूमतुनि जो सिलसिलो जारी रखियो हलियो 1945 या 1946 जे इलेक्शन जे बुनियाद ते जेके हिन मुल्क में कोन थियूं जेके हिंदुस्तान में थियूं ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं ॾिठो वञे त सही आइन पाकिस्तान खे 1973 में मिलियो सही आहिनि जेके बाक़ाइदा जंहिंखे चइजे जमहूरी आहिनि चइजे या जेको पार्लियामेंट ठाहियो हुजे त हाणे एॾो एॾो लीडरशिप जो वॾो फुकदान हुजे ऐं हिन चयो फ़ौज बची वई त छा इहे सभु असबाब उन्हनि जे मुल्क ते जंहिं जाइ ते बीठो आहे पाकिस्तान इहो पाकिस्तान मुश्किल में हो मुंहिंजो रिकॉर्ड जी ॻाल्हि आहे हाणे ख़बर कान्हे चङा हींअर पठाण पठाण अची वियो आहे असां वटि अफ़गानिस्तान खां पोइ के था चवनि 30 लख के था चवनि 35 लख लेकिन उन ज़माने में जेका ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन थी हिंदू होॾे विया मुस्लमान हेॾे आया कतले आम छो तव्हां ॾिठो अञा ताईं ट्रेनुनि था ॾिसो था हिन वॾो ज़ुल्म थियो त हक़ीक़त आहे जेकर असांखे काहे साल बि देरि थिया त उहा थी सघे पई जाइज़ हुई पर जेका इनडेफिनिट डिले थी वई न उन तबाही पैदा कई जेकर हिंदुस्तान 49 में ठाहे थो आहिनि असां 50 में 51 में ठाहियूं न ऐं इन करे लियाकत अली ख़ान मरो हक़ीक़त आहे उन में डिले करण जो हुनजो हो मक़सदु लियाकत अली ख़ान खे यकीन हो मां जेके इलेक्शन करायां थो पंहिंजे पाण थी वञा लेकिन बाक़ी प्राइम मिनिस्टर कोन कंदा न को पंजाब वारा कनि हुन रेलेवेंट त इहे आहे न बंगाली त मेजॉरिटी बंगाल जी ईस्ट पाकिस्तान जी हुनखे यकीन हो त मूंखे न को ईस्ट पाकिस्तान कंदो प्राइम मिनिस्टर को वेस्ट पाकिस्तान एतिरी सपोर्ट मिलंदी त डिले करण में उनजो वाक़ई काफ़ी हथ आहे माना जेको बुनियाद असां विधो पाकिस्तान जो उन में ज़ाती इंट्रेस्ट जे करे असां इहो सॼो सेबोटेज थियो जो आइन न ठही पर सर जो मुश्किलातूं इन हिकिड़ो वॾो मेजर सबबु हो इहो हिकिड़ो वॾा ॿिया केतिरा बि हुजनि मेजर मेजर सबबु इहो जो आइन कोन ठहियो लियाकत खां माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी विने में विञाई न कहिड़ा अंसर आहे ॾिठो त बाबा हिन मां हाणे जान त कान थी झूठे हुनजी शहादत जेका थी मां चवंदो हिकिड़ो फैक्टर उहो बि हो जो ॾिठो किन हालकनि ॾिठो त हिन मां जान नथी छुटे उनखां पोइ तब्दीली थींदी वई 5-7 वज़ीर आज़म मटिया ऐं पोइ वरी अयूब ख़ान टेको वरितो न पोइ ब्यूरोक्रेसी ज़ोर थी वियो न ॿई फ़ौजी ऐं सिविल ब्यूरोक्रेसी ऐं फ़ौजी जॾहिं ग्रेसी हो पाकिस्तान जो पहिरियों कमांडर इन चीफ अंग्रेज़ रहियो जिन सां हुन कंटिन्यू कयो ग्रेसी उहो वियो त अयूब ख़ान अपॉइंट थियो हाणे जेको टेन्यूअर आहे 3 साल कमांडर चीफ जो हाणे इस्कंदर मिर्ज़ा ऐं अयूब ख़ान दोस्त आहे इस्कंदर मिर्ज़ा मेजर जनरल हो त इस्कंदर मिर्ज़ा विच में वरी ग़ुलाम अहमद आयो ग़ुलाम अहमद गॉड फादर हो वन यूनिट स्कीम जो इहो जेको जेका इहा मां चवंदो वन यूनिट इन स्कीम त पाकिस्तान में आयो न उन पोइ था अचूं बुनियाद उन में पियो न ख़ैर वन यूनिट ठहणनि में जेको लीडर हो इन सॼे स्कीम जो सो ग़ुलाम अहमद उन में गुरमानी ऐं दौलताना ऐं जी काफ़ी शिरकत रही इन इन प्रोजेक्ट में ग़ुलाम अहमद चपटियो रहियो पावर खे जेसि ताईं ज़ोरी खे झमझ झमझ पोइ विसारे वियो विस्तर थी वई ॻरण बिल्कुलु इनवेलिड हो इनवेलिड इनवेलिड
उनखे न कढियऊं त हुनखे इहा ख़बर कान्हे त मां घणो जल्द आहियां या कोन आहियां। पोइ आयो इस्कंदर मिर्ज़ा थ्रू ब्यूरोक्रेसी, आर्मी ब्यूरोक्रेसी माना आयु फारनि जे मदद सां ऐं सिविल ब्यूरोक्रेसी सां, उहो पाण ब्यूरोक्रेट हो, हुते रहियो फ्रंटियर एरिया में, हुते रहियो डिप्टी कमिश्नर या ट्राइबल एरिया जो छा चवंदा आहिनि पोलिटिकल एजेंट, इस्कंदर मिर्ज़ा, इस्कंदर मिर्ज़ा। त मुंहिंजो ख़्याल हुन जी लिंक हुई न, हा ब्यूरोक्रेसी सां लिंक लिंक थी, आर्मीअ सां लिंक थी, मेजर जनरल रहियो। पोइ हो आयो इस्कंदर मिर्ज़ा, हुनजे मदद सां आयो त हुनखे वरी टे साल एक्सटेंशन मिलियो, जेको वरी अठवंजाह ताईं हलियो। जे एक्सटेंशन न मिले त पोइ त वरी माशा अल्लाह सवाल ई कोन हो। हाणे जॾहिं हालतूं अॼु वरी जॾहिं पहिरियों प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान जो, इन विच में जीअं तव्हां चयो छह सत प्राइम मिनिस्टर चेंज थिया, लियाकत अली ख़ान खां पोइ नाज़िमुद्दीन आयो, उनखे ग़ुलामनि कढियो, उन काउंसिल असेंबली डिज़ॉल्व कई, जेका थियणी न हुई, काउंसिल असेंबली डिज़ॉल्व थियण वारी ई कान हुई, कानून कोन हो, जेसिताईं आइन नथा ठाहिनि, उहा डिज़ॉल्व थी। बेंगाली प्राइम मिनिस्टर थियो छाकाणि जना साहब जे वफ़ात खां पोइ पंहिंजो थियो गवर्नर जनरल ख़्वाजा नाज़िमुद्दीन। पोइ जॾहिं ग़ुलाम अहमद वियो त ख़्वाजा नाज़िमुद्दीन खे कयऊं पंहिंजो इहो प्राइम मिनिस्टर, ऐं उते किरायो गवर्नर बराबरि पहिरियों प्राइम मिनिस्टर बेंगाली ख़्वाजा नाज़िमुद्दीन, उहो डिसमिस थियो, काउंसिल असेंबली डिसमिस थी। नूरुल अमीन हो उन ज़माने में स्पीकर, उहे वॾा हिस्टोरिकल केस हलिया, उहो वरी पुछो था अलॻि पहलू आहे, अलॻि पहलू आहे। पोइ जॾहिं इहो सिलसिलो हलियो त ॿारहं महीने खां वधीक केरु प्राइम मिनिस्टर कोन रहियो। इस्कंदर मिर्ज़ा हर ॾहें ॿारहें महीने तेरहें महीने चेंज कंदो आहे प्राइम मिनिस्टर। हुन में सरवरदी साहब प्राइम मिनिस्टर थियो, अ ग्रेट मैन, सरवर जहिड़ो ग्रेट माण्हू मुश्किल मान पाकिस्तान में तव्हां सम्झो था त सरवरदी मुंहिंजो आइडियल पाकिस्तान जे पॉलिटिक्स में सरवरदी आहे। ग्रेट स्टेट्स माना ग्रेट पेट्रियॉट, ग्रेट पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल। ख़ैर हो विच में आयो, साईं हुन खां पोइ पहिरियों मोहम्मद अली बोगरा सां किसो शुरू थियो, वरी सरवरदी आयो, वरी साईं चौधरी मोहम्मद अली आयो, वरी साईं पंहिंजो इहो ॿ हफ़्ता या टे हफ़्ता चुंदरीगढ़ साहिबु आयो, लास्ट प्राइम मिनिस्टर मार्शल खां अॻु में आयो पंहिंजो सरफिरोज़ ख़ान। ठीकु साईं, हाणे इहो अयूब ख़ान कीअं थो टेक ओवर करे 58 में टेक ओवर करे? मां इहो कयो त पहिरियों प्राइम मिनिस्टर हो सरफिरोज़ ख़ान नून, जंहिं इहा परवाह न कई त मां इलेक्ट थी ईंदुसि या न ईंदुसि प्राइम मिनिस्टर थी, उन इलेक्शन अनाउंस कयूं फेबरवरी 59 में इलेक्शन थींदियूं पाकिस्तान जो। अगरि उहा अनाउंसमेंट थी त इस्कंदर मिर्ज़ा साॻी ॻाल्हि जेका पोइ ज़माने में हिकिड़ो हो त ॿार छा थींदो हो किथे, इस्कंदर मिर्ज़ा खे त यकीन यकीन हो, हुन उमेदु करे सघियो पिए कंहिंजे साहिब जो साथी हो, पहिरियों प्राइम मिनिस्टर हो, जो कुझु हो, इस्कंदर मिर्ज़ा खे यकीन हूंदो मां त कोन थो अचां। वरी ज़ाती ॻाल्हि अची, वरी ज़ाती ॻाल्हि, मां त कोन थो अचां। हाणे पोइ अयूब ख़ान थोरो लहण लाइ जो हुनखे एक्सटेंशन मिलियो, हुन थोरो लाथो जो हुनखे गवर्नर जनरल कयईं, वरी हुनखे एक्सटेंशन मिलियो त वरी हुनखे हुनजी मदद सां अचानक माशाला थी, ॿिन्ही साज़बाज़ करे माशाला थी। साईं न का महांगाई, न के जहिड़ा फसाद, न को ख़लफ़शार, का शइ कान हुई, सभु को अमन अमान सां किसो फैलियो। हाणे हिन विच में असां मिस था कयूं हिकिड़ो पार्ट 56 कॉन्स्टिट्यूशन आम पार्ट आहे जेको विच में मिस थी वियो आहे, हुन ते ज़रूरत कंहिं वक़्त में रोशनी विझणु ज़रूरी। अचानक माशाला अची वई 8 अक्टूबर ते 58 ते, अजब थियो। लेकिन पहिरें माशाला रूब दबदबो फ़ौज हीअ अयूब ख़ान एतिरो कयो जो ख़ुदि चीफ ऑफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तमामु घणो वक़्तु कोन रहियो, 59-60 ताईं, ॾेढ साल ॿ साल। पोइ जहिड़ियूं बि थियूं बी डी ज़माने, इहो बी डी जो रवाजु या सिस्टम उन ज़माने में आई,
इलेक्शन कराई बीडी जो 60 में वरी पर 62 में असेंबली इलेक्शंस थी ओ जको आसो बियो पार्ट मा होटल से तहां का पूछो हने ने विच में 54 में जन मोहम्मद अली बबरा हते आयो एम्बेसडर उनके गुलाम अहमद घुराए इनके ओ प्राइम मिनिस्टर जिन नाज बिन के डिस्मिस कम तो यो ही सबब थियो त मतलब इस पाकिस्तान में फीलिंग थी बंगाली पैरों प्राइम मिनिस्टर ने कड़ी जरा वरी बंगाली के आंदा मोहम्मद अली बबरा बड़ी फैमिली जो मानू तमाम शरीफ इंसान पर बहरहाल एम्बेसडर ब्यूरोक्रेट हो एम्बेसडर बाद ही प्राइम मिनिस्टर थियो और उन्हें वरी आयन ठाण शुरू कर जैसे चाहूँ था 54 कॉन्स्टिट्यूशन 1954 अन्य तो लाइब्रेरीज में पाया आर्काइव्स में पाया वह तमाम फर्स्ट क्लास हुई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वन मैन वन वोट पर वह पसंद कान आई छकन वरी मेजॉरिटी बंगाल जी पी थी सही सही आईन यो या वन मैन वन वोट उन्हें कहने करे कर जो तो आईन ऐसा करना तो कभी 54 और पास ही कौन थी ये ना टेबल ही कौन थी ना डिस्कस थी अच्छा असेंबली इन टाइम थी ਇਹ ਅਮਰਾ ਵਰੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਕਰੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਜਾਇਓ ਜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਲੋ ਤੋ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਮਮਨ ਖਾਨ ਜੁੜੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹ ਕਰੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਜਰੇ ਗੁੱਟ ਕਰੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਨ ਪੋਚੋ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇ ਨੋ ਆਈ ਪਾਸ ਥਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਵਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਥੀ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਬਚਾਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਨੇ पंजाब न तो कबूल कर तैयार को मेजॉरिटी ईस्ट पंजाब ईस्ट पाकिस्तान की पर बचाने खातर बंगाली बिल पायलट कर 56 कॉन्स्टिट्यूशन जो जैमें वन यूनिट पैरिटी पैरिटी माना ईस्ट पाकिस्तान की 54% पॉपुलेशन 55% पॉपुलेशन के घटा पंजा सैकड़ो कर असि पैरिटी माना भाई घोड़े जा कहना बराबर भाई घोड़े जा कहना बराबर यो कोन कदर जो कोन घोड़े जो कोन बराबर हां हां पत्रम गाल जो था या 54 पर 5% आर्टिफिशियल मेजॉरिटी थी ना आर्टिफिशियल मेजॉरिटी यो पेरो हो कदम पाकिस्तान के अलग करण जो दुनिया में आज दी टाइम को मुर कर बुधायो मरे साहब इते इहो प्रिंसिपल ना हो जे वन मैन वन वोट वार डेमोक्रेसी मतलब वन मैन वन वोट सही फी फर्द फी वोट लेकिन सरवर्ती साहब जे ग्रेट मानू यो बिल पास करायो ए आइन और अमल में आयो 62 वारो पूरे के बरन कोन में नो जो आयु खान वरी अची उडे के आयु आइन खत्म करे पर टेक ओवर कयो आयु इने उने तहे तहे वरी रुठयो आयु खान टेक ओवर कयो 58 में 58 8 अक्टूबर 58 अक्टूबर 58 ते